हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस। दिस इज़ रमेश, सीनियर फैकल्टी अभिमन्यु आईएएस। जैसे कि हम लोगों को पता है कि नाउ वी आर लेफ्ट विथ एग्जैक्ट 30 डेज फॉर द एचसीएस प्रीलिम्स, जो कि 21 मई को होने वाला है, 21 मई 2023। उसके लिए एग्जैक्ट 30 डेज हमारे पास बचे हुए हैं। आज 20 अप्रैल है और 21 मई को पेपर है, तो वी हैव एग्जैक्ट 30 डेज इन आर हैंड। तो इस 30 दिन के अंदर हमारी एचसीएस के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमें किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, और किस तरह से हमने अपने प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करना है, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। एंड हियर कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेस्ट सीरीज, जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं आज, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट द टेस्ट सीरीज ऑफ द एचसीएस, दिस इज द हाई टाइम नाउ, क्योंकि प्रिपरेशन आप ऑलरेडी काफ़ी टाइम से कर रहे थे, कुछ कर रहे होंगे, किचों की सिलेबस कंप्लीट हो चुकी है, कुछ लोगों के एक आध सब्जेक्ट्स रह रहे होंगे, लेकिन जो सब्जेक्ट्स हो चुके हैं उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसकी रिवीजन कैसे करनी है, उसकी स्ट्रीमलाइनिंग कैसे करनी है। हियर कम द रोल ऑफ द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज प्लेज अ मोस्ट वाइटल रोल व्हाइल यू प्रिपेयर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। आपने पढ़ाई कर ली, आपने तैयारी कर ली है और आपने टेस्ट सीरीज नहीं ली है, आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, देन यू आर मेकिंग अ ग्रेट ब्लंडर एंड विच यू विल रिपेंट आफ्टर द एग्जामिनेशन की काश मैं एक टेस्ट सीरीज ले लेता और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेता, तो मेरे रिविजन भी हो जाती है, मेरे कुछ कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं और मेरी तैयारी भी स्ट्रीमलाइन हो जाती है। टेस्ट सीरीज प्ले अ मोस्ट वाइटल रोल ड्यूरिंग अ प्रिपरेशन। हम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो ले लेते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, कंटेंट की इन्फॉर्मेशन हमने ले ली, अलग अलग सोर्सेज से ली इन्फॉर्मेशन, ले ली, नोट्स बना लिए, पढ़ाई कर लिए, बुक्स पढ़ लिए, लेकिन कितना हम रिटेन कर पाए हैं, कौन सी चीज़ें हमें याद है, कौन सी चीज़ें याद नहीं है, कौन सी चीज़ों के बारे में हम कुछ गलत समझ रहे थे, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता चलेगा आपको। यहाँ पे टेस्ट सीरीज का जो रोल है, इट प्लेज द मोस्ट वाइटल रोल। टेस्ट सीरीज से ही आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है और कितना आपने और करना है और कौन सी चीज़ें आप भूल रहे हो, कौन सी चीज़ें आपको याद है, कौन सी चीज़ों के बारे में समझ आपकी गलत थी, कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, बट वो क्वेश्चन सॉल्व करने से हो रहे हैं, टेस्ट सीरीज से हो रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज प्लेज द मोस्ट वाइटल रोल। और ये जो वक्त है, एक महीना जो 30 डेज आपके पास बचा है, इट्स टाइम टू बेसिकली पुल अप योर सॉक्स एंड गेट अ टेस्ट सीरीज, चाहे किसी की भी लीजिए। अभिमन्यु को टेस्ट सीरीज चाहिए तो अभिमन्यु को टेस्ट सीरीज की लिंक डिस्क्रिप्शन में डलेंगे। और अभिमन्यु को टेस्ट सीरीज की जो कुछ विशेषताएं हैं, खासियत, इंपॉर्टेंस, बेसिकली द एनालिसिस, देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हेन वी प्रिपेयर, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट कन्वर्जेंट अबाउट द फैक्ट कि कौन सी चीज़ें हमें पता है, कौन से नहीं पता है, कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कौन से टॉपिक्स हमारे अच्छे से तैयार है, कौन सा टॉपिक्स हमारा कमज़ोर है, किस टॉपिक पे हमें कितना टाइम देना है, ये आपको कैसे पता चलेगा कि व्हाट आर द ग्रे एरियाज ऑफ माय प्रिपरेशन, कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट के अंदर, कौन से टॉपिक्स के अंदर ज़्यादा फोकस करना है, ये आपको कैसे पता चलेगा, कौन से टॉपिक्स ऑलरेडी आपके बहुत अच्छे से कवर्ड है, वहाँ पे ज़्यादा आपको वक्त बिताने की जरूरत नहीं है, वो टाइम जो बचा है वो आप दूसरे सब्जेक्ट में जो आपका कम ग्रे एरिया है या कमज़ोर एरिया है वहाँ पे डेडिकेट कर सकते हैं, वो आप कैसे करोगे। हियर कम्स दी रोल ऑफ द टेस्ट सीरीज ऑफ अभिमन्यु। ये मैं आपको पूरी प्रॉपर अभी डिटेल्स दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को कन्फिगर कर सकते हो और अपने वीक एरियाज पे फोकस कर सकते हो। द मोमेंट यू आर एबल टू डेराइव दिस, द मोमेंट यू आर एबल टू वर्क ऑन योर ग्रे एरियाज, कमज़ोर एरिया पे जैसे ही काम करते हो, यू गेट एन एज ओवर अदर एस्पिरेंट्स, आप एज पा जाते हो बाकी एस्पायरेंट्स में और आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है और आपके मार्क्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन द इम्पॉर्टेंस इज टू कि पता कैसे चलेगी कौन सा स्ट्रांग एरिया है, कौन सा कमज़ोर एरिया है, कौन सी चीज़ें हमें पता है, कौन सी चीज़ें भूल गए। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में हमें, वी डोंट वैल्यू द टेस्ट सीरीज, बट ये पता होना चाहिए, आपकी स्ट्रेस सिमुलेशन कैसे होगी, कि क्वेश्चंस देखने के बाद आपका माइंड कैसे रिएक्ट कर रहा है, किस चीज़ों किस तरह से सोच पा रहा है, फैक्चुअल क्वेश्चन को कैसे डील कर पा रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को डील कर पा रहा है कि नहीं, करंट अफेयर क्वेश्चन को कैसे डील कर रहा है, कौन से क्वेश्चन है जो आपको छोड़ना है, किस तरह के क्वेश्चन है जो आपने छोड़ना है, किस तरह के क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, किस तरह क्वेश्चन पे आप किस लेवल तक के गेस वर्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन है, चार ऑप्शन है, किसी में से एक दो तीन चार कड़ बकड़ करके चार एक लगा दिया, नो, ऐसा तो नहीं हो सकता। गेस वर्क करने के लिए भी आपके अंदर एनालिसिस होनी चाहिए। ये चीज़ें आप सीखोगे कैसे, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर आएगी कैसे, ये आएगी सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज से। Then the person, या the aspirants, या student जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ट्रस्ट मी, प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू सरकमवेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेस्ट सीरीज।
टेस्ट सीरीज़ के इंपॉर्टेंस को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करिए, वरना आप पूरी मेहनत भी कर लोगे और एंड में आपके हाथ रिजल्ट भी नहीं आएगा। आपको पता भी होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रैक्टिस, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस, जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अ प्रॉपर अप्रोच टुवर्ड्स द पेपर एंड क्वेश्चंस, आपकी तैयारी बेसिकली इट वुड गो इन वेन, दैट वुड गो फ्यूटाइल। तो ऐसा ना हो और आपकी मेहनत रंग लेके आए, इसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने टेस्ट सीरीज को जरूर अवेल करें। ठीक है, दिस इज ये हमारा जो लास्ट ईयर के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उसकी कुछ इमेजेस हैं जो कि गॉट सेलेक्टेड इन द एचसीएस, जिसमें से 12 टू 14 आपको देखूंगा जो एसटीएम बने हैं, एग्जीक्यूटिव पोस्ट में हैं, डीएसपीज, वेरियस एग्जामिनेशंस, ईटीएस एंड ऑल। ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आज के अभी इस वक्त जो 30 दिन बचे हुए हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने रखना है, दैट यू वुड हैव टू, यू शुड हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। आपको अपने आप पर भरोसा रखना पड़ेगा, ये मानसिकता ना रखें कि दे देते हैं पेपर, पढ़ा हुआ तो है, दे देंगे, मतलब यू आर इन डोल्ड्रम्स, कॉन्फिडेंट भी नहीं है, कन्विक्शन आपके अंदर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से करना है, जोश के साथ करना है, और साथ ही साथ मैं कुछ एक एंटरटेनिंग कुछ तरीके से मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये आपने इमेज देखा ही होगा, इट इज़ वेरी मच फेमस नाउ अडेज वर्ल्ड वाइड, बहुत फेमस हो चुका है, द कैरेक्टर ऑफ पुष्पराज इन द मूवी, जैसे कि ये बोलता है पुष्पा, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। तो ये इमोशंस आप अपने अंदर भी रखिए कि आपने भी झुकना नहीं है, यू नीड टू फाइट टिल द एंड, और जो आखिरी तक लड़ता है वो मंजिल पाता है। तो फॉर मोटिवेशन, फॉर सेंस ऑफ मोटिवेशन, कि यू रिमेंबर दिस इमेज, याद रखना जब पेपर में बैठोगे या तैयारी करोगे, ये इमेज आप ध्यान में रखना कि हाँ सर ने क्या बताया था, कि हाँ भाई यू नीड टू प्ले द कैरेक्टर ऑफ पुष्पराज जो झुकेगा नहीं, कॉन्फिडेंस गिरना नहीं है। ठीक है, यू शुड हैव कन्विक्शन, कन्विक्शन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इट्स जस्ट अ वे टू मोटिवेट योर सेल्फ, जस्ट अ वे टू कि आपके अंदर मोटिवेशन रहे, कॉन्फिडेंस आप फील करो, और तैयारी अपनी करो जोश के साथ, तो यू रिमेंबर द कैरेक्टर ऑफ पुष्पा। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप समवेयर इन डोल्ड्रम्स, तो ऐसा नहीं करना, यू रिमेंबर दिस इमेज और ट्राई टू प्रोवाइड स्टिमुलस, एनर्जी, लेवरेज टू योर सेल्फ। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टुवर्ड्स द फीचर ऑफ आर टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट सीरीज के हमारे फीचर्स हैं। HCS की टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज के अंदर क्या कि ये सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन इसलिए अवेलेबल है क्योंकि जो एनालिसिस आपकी होनी है प्रॉपर, जो एनालिसिस के बाद में कर रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा आपको कौन सा ग्रे एरियाज है, कौन सा कमजोर है, कौन सा स्ट्रांग है, किस पे ज़्यादा वक्त देना है, ये आपको ऑनलाइन ही पता चलेगा। जैसे ही आप हमारे टेस्ट सीरीज जिसकी लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, इस लिंक पे विजिट करते हो और टेस्ट जैसे ही देते हो, आपके डैशबोर्ड के अंदर आपकी जहाँ पे मार्क्स शो हो रहे हैं, वो मार्क्स के राइट हैंड साइड पे, मैं अभी दिखा दूंगा आपको, वहाँ पे एनालिसिस का बटन है, उस पर क्लिक करते ही आपकी पूरी पेपर की एनालिसिस आ जाएगी, वो मैं दिखा दूंगा अभी आपको। ठीक है, इसके अंदर टोटल 26 टेस्ट है, जिसके अंदर 26 टेस्ट 20 सेक्शनल टेस्ट है, 8 कंप्लीट मॉक है, और 8 कंप्लीट मॉक है और 18 सेक्शनल टेस्ट है और 8 कंप्लीट मॉक है। ठीक है, जिसमें से 20 टेस्ट जीएस के होंगे और 6 टेस्ट आपके सी सेट के होंगे। ठीक है, अब असेसमेंट रिपोर्ट बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस बाय अबीपीडी, अब जो असेसमेंट आपकी होगी, जो टेस्ट में आपने कैसे परफॉर्म करा, कौन से टॉपिक पे कितने मार्क्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे, इससे रिलेटेड आपके कैसे पता चलेगा, तो उससे बताने के लिए मैं आपको बेसिकली हमारे होम पेज पे लेके जाना चाहता हूँ। जैसे ये हमारा होम पेज है, यहाँ पे आप पहुँच गए, ये आपके टेस्ट है, आपने आपके डैशबोर्ड पर इस तरह से वो टेस्ट शो होंगे। ठीक है, डैशबोर्ड के अंदर इस तरह से टेस्ट आपको शो होंगे। जब आप टेस्ट सीरीज देखोगे, जब आप यहाँ पे विजिट करोगे, तो यहाँ पे एक आपके डैशबोर्ड पे दिखेगा, डैशबोर्ड पे दिखेगा एक एनालिसिस का बटन, ये मार्क्स जब आ जाएंगे आपके, तो एनालिसिस का बटन दिखेगा, ठीक है, इसकी ब्राइटनेस मैं थोड़ी कम कर देता हूँ अभी, अब ब्राइटनेस तो आपको प्रॉपर दिखने लग जाएगा अभी बोर्ड के अंदर क्या है ना, ये देखिए बस, ठीक, तो ये देखिए, दीज आर द मार्क्स ऑफ द वेरियस स्टूडेंट्स, आपके भी डैशबोर्ड में इस तरह से आपके मार्क्स जिस टेस्ट के आपने दिए हैं वो दिखेगा आपको, साथ में एक आपको ये एनालिसिस का बटन, ये एनालिसिस का बटन आपको दिख रहा है, ये एनालिसिस के बटन है आपके डैशबोर्ड में, आपके अकाउंट में ये दिख जाएगा। जैसे ही आप ये एनालिसिस के बटन पर क्लिक करते हैं, आप ये दूसरे पेज पे पहुंच जाएंगे,
आप यहाँ पे दूसरे पेज पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपके टेस्ट की पूरी आपकी पूरी जो एनालिसिस है वो यहाँ पे प्रॉपर मेंटेन दिखेगी। मैक्रो एनालिसिस, क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन और कंटेंट एनालिसिस। तो यहाँ पे जो आपने फोकस करना है ये दो चीज़ पे करना है, एक तो ये मैक्रो एनालिसिस जिस पे आपने फोकस करना है और दूसरा दैट इज दी कंटेंट एनालिसिस कि कौन से कंटेंट के अंदर ये कौन से कंटेंट के अंदर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंदर कौन से टॉपिक है जो आपने कमजोर है या स्ट्रांग है या क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे मूव करते हैं, वी मूव ऑन टुवर्ड्स द मैक्रो एनालिसिस पार्ट। मैक्रो एनालिसिस पार्ट अगर देखें तो यहाँ हमने एक स्टूडेंट का खोल रखा है, आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो उसका टोटल मार्क्स कितने हैं, 100 क्वेश्चन में 62 मार्क्स आए हुए हैं, टोटल 62 मार्क्स मिले हुए हैं उसे। ठीक है, जिसमें से एवरेज मार्किंग इस पेपर के अंदर 53 आनी ही थी, जो इस पेपर के अंदर जो डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग जो एवरेज मार्किंग आनी थी वो 53 थी और मैक्सिमम मार्क्स जो इस पे आनी है वो 69 आनी है। ठीक है, 69 मतलब मैक्सिमम किसी स्टूडेंट को 69 इस पेपर में मिला हुआ है 100 के अंदर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस टोटल उन्होंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं, यू कैन सी दिस कि हाँ भाई करेक्ट क्वेश्चन उसके 62 हैं, रॉन्ग क्वेश्चन उसके 33 हैं, क्वेश्चन जो उन्होंने छोड़े हैं वो 5 हैं, करेक्ट क्वेश्चन इज 62, रॉन्ग इज 33 एंड 5। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं मेंशन किया हुआ है, इसके लिए यहाँ पे आपको जो 62 करेक्ट है 62 मार्क्स दिख रहा है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग अगर यहाँ पे लगाएंगे तो 0.13 नेगेटिव मार्किंग लेस होकर वो 62 से और कम हो जाएगा। लेकिन ये एक समझाने के लिए आप लोगों को है कि यहाँ पे करेक्ट क्वेश्चन उसके 62 थे, रॉन्ग क्वेश्चन 33 थे और जो उन्होंने क्वेश्चन छोड़े हैं 5 छोड़े हैं, टोटल क्वेश्चन जो अटेम्प्टेड है 95 है। ये उसकी मैक्रो एनालिसिस है उसके पूरे पेपर की। अब उसके कंटेंट की एनालिसिस हम करते हैं कि उसके कंटेंट कितना तैयार है, उसने कितना पढ़ाई करा है। ठीक है, तो उसे देखने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे सोर्स ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन दो तरह के होंगे, या तो करंट स्टैटिक होंगे या तो करंट अफेयर्स होंगे। दो तरह के क्वेश्चन पेपर में होते हैं, या तो स्टैटिक होगा या तो करंट होगा। अब स्टैटिक है तो स्टैटिक कितने क्वेश्चन थे, टोटल 48 जो उन्होंने अटेम्प्ट किए हुए थे। 48 क्वेश्चन उन्होंने जो अटेम्प्ट किए थे स्टैटिक से, टोटल स्टैटिक क्वेश्चन उसने 48। ठीक है, अब जो करेक्ट क्वेश्चन है वो 32 है उनमें से, गलत क्वेश्चन हो गए 14 और लेफ्ट 2। ये उसके स्टैटिक है, ये करंट अफेयर्स की है, 6 क्वेश्चन प्लस 4 क्वेश्चन उसके करेक्ट हुए, 1 क्वेश्चन गलत हुआ, 1 क्वेश्चन उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, ये जनरल स्टैटिक की है और करंट अफेयर्स, इसके अंदर एक और टॉपिक इंक्लूड होगा दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम करंट अफेयर्स क्वेश्चन, वो स्टैटिक पार्ट में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ आपको मेंशन नहीं हो रहा लेकिन आपके डैशबोर्ड में वो मेंशन होगा। सब्जेक्ट वाइज के अंदर अगर हम देखें कि उनकी परफॉर्मेंस किस तरह से रही थी तो वो यहाँ हम देख लेते हैं। जैसे ये मॉडर्न का पेपर है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का पेपर है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के पेपर में हमने देखा टॉपिक वाइज कहाँ से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ये आप देखिए इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, अब इसके टॉपिक वाइज एनालिसिस देखिए, हम 1885 से 1905 तक का जो टाइम पीरियड है, टॉपिक है या बोल सकते हैं कि स्लैब है कंटेंट, वो टोटल कितने क्वेश्चन आए हैं उसमें से, 15 क्वेश्चन आए हैं, इससे करेक्ट 9 है, गलत 5 है, 1 छोड़ दिया है। 1921 से 32 तक का जो टाइम पीरियड है उसमें से 14 क्वेश्चन आए हैं जिसमें से 10 इसके करेक्ट हैं, 4 इनके इनकरेक्ट हैं। अब थोड़ा नीचे हम चलेंगे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिए, कौन से क्वेश्चन में इनके टॉपिक्स अगर आप देखो तो 15 में से 9 क्वेश्चन सही है, 5 गलत है, 14 में से 10 सही है, 4 गलत है। ठीक है, 10 में से 7 सही है, 3 गलत, मतलब इनकी अगर देखी जाए एनालिसिस तो लगभग इनकी जो प्रिपरेशन है वो ठीक है, एवरेज है, मतलब ठीक है। अब ये उन एरियाज पे जहाँ पे इनके मिस्टेक्स हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन मिस्टेक हुए हैं, वो डायरेक्टली उस जगह पे पहुँच सकते हैं और देख सकते हैं कि हाँ इस टॉपिक में मेरे 5 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो मुझे यहाँ से कुछ जगह है जहाँ से प्रिपेयर करना है। तो वो एनालिसिस वो यहाँ से कर सकते हैं कि हाँ भाई ये जो टॉपिक है यहाँ से इतने क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक वाइज सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के अंदर से 5 क्वेश्चन है जिसमें से 3 सही है, 2 गलत है, तो हाँ यहाँ पे मुझे थोड़ी देखने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे 40% मेरा गलत हो रहा है, 60% सही है। तो इस टॉपिक पे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो टॉपिक है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर अब वो टॉपिक को वो दोबारा जाके पढ़ेंगे और देखेंगे कि हाँ कहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ मेरी कमियाँ हैं।
तो इससे क्या हुआ, जो आपके स्ट्रेंथ है वो भी पता चल गया कि हाँ कौन से एरिया पे आपने ज़्यादा स्कोर कर रहे हो, आप कौन से एरिया पे आपके मिस्टेक्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो उस एरिया पे ज़्यादा फोकस करोगे। इस तरह से ये हिस्ट्री की है, इस तरह से सारे सेक्शनल टेस्ट की और कंप्लीट मॉक की सारे टेस्ट की आपको एनालिसिस प्रॉपर इसकी मिलेगी। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टेस्ट सीरीज ऑफ अभिमन्यु। अभिमन्यु के टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस यही है, ठीक है, कि ये अभिपीडिया आपको ये एनालिसिस प्रॉपर देगा कि आपकी जगह कौन से आपने मेहनत करनी है, कौन से कहाँ पे कम टाइम देना है, और ये 30 डे की स्ट्रेटजी में ये आपको स्ट्रीमलाइन करके अपने शेड्यूल को प्लान करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली डिलीवर करना पड़ेगा। तो रिमेंबर, टेस्ट सीरीज प्लेज द मोस्ट वाइटल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा एनालिसिस का पार्ट हो गया। अब बैक टू आर अपने स्लाइड्स पे आते हैं। ये फीचर्स हम मैंने आपको बता दिए टेस्ट सीरीज के, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट चेक्स जो मैं बताना चाहूंगा आपको। प्लीज रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से इसे समझिए आप। ये दो बातें वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, नोट डाउन, इसे दिमाग में बिठा लो, ये 30 दिन में आपने ये चीजें नहीं करनी है, और एक चीज है जो आपने करना है, इस पे से मैं बता दूं आपको, नॉट टेकिंग द स्टैंडर्ड बुक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई भी स्टैंडर्ड बुक है, आपने जहां से पढ़ाई करी है, जहां से तैयारी करी है, वहीं से आपने रेफर करना है, उसे ही रिवाइज करना है। ये वक्त नहीं है नई किताब पढ़ने का या नए टॉपिक, इस तरह से आप नई किताब उठा के नहीं पढ़ सकते अभी। यू वुड बी मेकिंग अ बिग ब्लंडर, यू विल बीट अराउंड द, बेसिकली यू विल बीट अराउंड द बुश एंड यू विल हैव नथिंग इन योर हैंड। जो आपने करी है वो भी दैट वुड गो इन वेन। तो कोई स्टैंडर्ड बुक कभी हाथ नहीं लिखाना यहाँ भाई। हाँ, आप रेफर कर सकते हो किसी बुक को, किसी एक टॉपिक को रेफर कर लिया, किसी एक चैप्टर को रेफर कर लिया, यू कैन रेफर फॉर योर क्लैरिटी, बट यू वुड नॉट गो फॉर अ वाइल्ड गूस चेस। या रॉट लर्निंग में नहीं जाना कि किताब खोल के पढ़ने लग गए, जो आपने पढ़ा हुआ है उसे ही रिवाइज करना है, ठीक है। दूसरा, डू नॉट लूज कॉन्फिडेंस एंड कीप पोस्टपोनिंग योर सक्सेस फॉर द परफेक्ट ईयर। हम हर साल ऐसे ही करते हैं कि चलो देख पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। एक जील के साथ, एक एंथुजियाज्म के साथ नहीं पढ़ते कि क्लियर करने के लिए पढ़ना है, कॉन्फिडेंस नहीं आता, कन्विक्शन नहीं आता। तो ध्यान ये रहे, कोई सोच रहा है कि हाँ नहीं आ रहा है, इस बार दे देते हैं, एक्सपीरियंस कर लेते हैं, अगली बार देखेंगे। तो उनको मैं बताना चाहूँगा, हैव फेथ इन योर सेल्फ, क्योंकि आप जो सोच रहे हो कि अभी नहीं तो अगले बार देख लेंगे, वो अगले बार कभी नहीं आता। दैट कमिंग ईयर विल नेवर कम, वो टाइम कभी नहीं आता। जो आपके पास है अभी, आज अभी इसी वक्त, उस वक्त परफॉर्म करिए, ठीक है। कल की सोचने वाला आज नहीं फेल होता, बेसिकली कल की सोचने वाला कल फेल नहीं होगा, कल की सोचने वाला आज ही फेल हो रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो आज को आप अपने एक एक दिन को, जो लास्ट 30 दिन है, इस एक एक दिन को, एक एक मिनट को डिवाइज अ प्लान, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर रखिए, शेड्यूल बनाइए एंड ट्राई टू फॉलो दैट शेड्यूल स्ट्रिक्टली, उसको अच्छे से फॉलो करिए। अलग अलग दिन को बांटिए हफ्ते में, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे, क्योंकि यहाँ पे प्रिपरेशन करने वाले दो तरह के, तीन तरह के लोग हैं। एक वो है जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक वो है जो जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए एक स्टडी प्लान अलग होगा, शेड्यूल अलग होगा, इनका शेड्यूल अलग होगा। तो प्लान अकॉर्डिंगली एंड ट्राई टू डिलीवर इन दिस 30 डेज। एंड मोस्ट रिमेंबर, चाहे किसी की भी टेस्ट सीरीज लीजिए, लेकिन टेस्ट सीरीज लीजिए। हमारे टेस्ट सीरीज से आपको फ़ायदा क्या है, ये मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि यू विल हैव, बेसिकली दिस इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन। अगर मैं बोलूँ तो टेस्ट सीरीज के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है ये। आपने पढ़ रखा है, आपने किस तरह से रिवाइज करना है, किस तरह से स्ट्रीमलाइन करना है, किस तरह से क्लैरिटी लानी है, तो टेस्ट सीरीज ऑफ अभिमन्यु इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। कि किस तरह से आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों पता चल जाएंगे, और कैसे आपने डिलीवर करना है, कैसे रिवाइज करना है, यू विल गेट टू नो एंड डेफिनेटली यू गोइंग टू सक्सीड इन दिस एग्जामिनेशन। बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए टेस्ट सीरीज, ठीक है। और कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस, अगर आपको ऐसा लग रहा है यू आर इन डोल्ड्रम्स, थोड़ी बहुत होती हैं चीज़ें कि हाँ भाई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, थोड़ा लो फील कर रहे हो, डीमोटिवेट, तो रिमेंबर जो इमेज मैंने आपको दिखाई है, ये पुष्पराज, रिमेंबर दिस। ये बहुत ज़्यादा फेमस है आज के टाइम पे, इसके पार्ट अभी उसके अगले पार्ट भी आने वाली हैं, तो इट इज़ नाउ वेरी मच फेमस, इट इज़ नाउ वेरी मच, बोल सकते हैं कि इट हैज़ टर्न आउट टू बिकम वर्ल्ड वाइड, एक कैरेक्टर ऐसा बन गया है जिसे लोग कॉपी कर रहे हैं, देख रहे हैं और इससे इंस्पायर भी हो रहे हैं। तो मैं जस्ट एज अ सेंस ऑफ मोटिवेशन मैं आपको यूज़ करना चाहता हूँ कि जब भी आपको ऐसा लगे तो ये याद करिए।
ठीक है, ऐसा मतलब ये नहीं है कि आपने इसे याद करना है, बट रिमेंबर दिस, ये जस्ट जस्ट टू फील ईजी ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज ऑल वी गॉट फॉर टुडे सेशन, ठीक है। होप सो कि आपकी तैयारी चल रही है और आप अच्छे से तैयारी करोगे। टेस्ट सीरीज की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, वो डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, डिस्क्रिप्शन पर जाएं, टेस्ट सीरीज को अवेल करें, ठीक है। एंड इट इज़ बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में है, जहाँ पे आपको 70-75% डिस्काउंट मिल रही है, पॉकेट फ्रेंडली है, तो आपको कुछ इससे बिगड़ने वाला नहीं है। इट इज़ जस्ट 1950 रुपये, यू विल बी गेटिंग 26 टेस्ट, और इसकी वजह से आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सकती है, आपका पेपर क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल वी गॉट फ्रॉम टुडे सेशन, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू।